हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पे पीटा के सुमी। तो दोस्तों, चौधरी चंद विश्वविद्यालय की तरफ से आज की अपडेट आप देख सकते हैं। बीकॉम थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट के रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट जारी कर दिए हैं कुछ अभी कुछ दिन पहले, BSc वगैरह MSc वगैरह आए थे, तो आज के दिन आप देख सकते हैं BCom रिजल्ट जारी हो चुके हैं। तो किस तरह अपना इस तरीके से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलते हैं ऑफिशियल साइट पर चौधरी चरण सिंह की पे। तो अपने फ़ोन में या लैपटॉप में आपको वेबसाइट खोल लेनी है चौधरी चरण सिंह की, उस पर चले जाना है। जैसे देख सकते फ़ोन में अपन की हुई है, तो आपको ऑफिशियल साइट पर चले जाएगा कि आपको रिजल्ट कहाँ डाउनलोड करना है। सिंपल तरीके से आपको नीचे आना होगा, देख सकते हैं स्क्रॉल करके आपको बस अपने फ़ोन में देखना है, एग्जामिनेशन सेक्शन पर जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको रिजल्ट पर क्लिक कर लेना है। या आपकी नई डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी, तो आपको रिजल्ट कहाँ मिलने वाला, कैसे मिलने वाला के बारे में बता देता हूँ। पहले हम देखेंगे 33 नंबर पर जहाँ दे रखा है ये, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया देख सकते हैं BCom प्राइवेट और थर्ड ईयर आपका रिजल्ट डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। BCom रेगुलर थर्ड ईयर कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, कुछ अपडेट इसमें की गई है। और मेन चीज़ दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दे रखा है नीचे सेंटर कोड, कुछ के अभी रिजल्ट रोक दे गए हैं जो यहाँ पर सेंटर कोड दे रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्लियर आपको बताया गया कि यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तो चलते हैं बैक साइड में, जब आपको यहाँ पर आए थे हम, तो अब रिजल्ट कहाँ पर डाउनलोड करना है दोस्तों, यहाँ पर देखना है। तो 20 नंबर पर दिया गया, 20 नंबर में दिया गया है आपको रेगुलर प्राइवेट प्रोफेशनल कोर्स रिजल्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों सामने आपके डैशबोर्ड ओपन ऐसी हो जाएगी। तो आपको सिंपली अगर नीचे आना होगा, आपको यहाँ पर कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं। जैसे यहाँ पर देख कोर्स देख सकते हैं, सेमेस्टर, रोल नंबर और कैचअप कोड। तो जल्दीबाजी ना करें, अपना फॉर्म जो फॉर्म की डिटेल है अपने भर सकते हैं आराम से। पहले आपको दोस्तों कोर्स डाल लेना है, जैसे BCom थर्ड का रिजल्ट डालना है आपको। यहाँ पर BCom सर्च करेंगे, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं रेगुलर आपको दिखाई देगा। और जो बैक वाले हैं, जो आपके बैक का रिजल्ट फिलहाल नहीं आया, जो आपको प्राइवेट है आपको प्राइवेट दिख गए हैं BCom प्राइवेट, उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेमेस्टर वाइज नहीं है, थर्ड देखना है, थर्ड पर क्लिक कर लेना है। सेमेस्टर वाइज अपने निकाल सकते हैं, वो आपको दूसरे डैशबोर्ड पर जाना होगा। ये केवल प्राइवेट और रेगुलर वालों के लिए है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको रोल नंबर है तो रोल नंबर भी डाल सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर है तो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं बिना एम के। मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल तौर पे, आप दिखा देता हूँ किसी का रिजल्ट निकाल के। दोस्तों देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे किसी डिटेल फिल कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। अपना अपना कोर्स यहाँ पर डाल लेंगे, जो आपको BCom के निकालना है तो यहाँ पर अपना सेमेस्टर वाइज डाल लेंगे और एनरोलमेंट नंबर डाल लेंगे बिना नंबर के। डालने के बाद दोस्तों आपको कैचअप कोड डाल लेना है, मैं कैचअप कोड का डाल दिखा देता हूँ आपको। ये सब डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपने सामने आपके रिजल्ट ओपन हो जाएगा, ये एग्जांपल के तौर पर लिया गया है। तो जो भी आपकी डिटेल फिल होगी दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर आपको मिले गए वो आपको सामने दिए गए हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सभी आपको दिखाई देगा, पास रिजल्ट फेल जो भी आपका ऑप्शन है आपको दिया गया। कुछ बच्चों को प्रश्न आती है कि आपके यहाँ पर इनकम्प्लीट, अब्सेंट, रिटेन, यूनिफॉर्म क्या चीज़ है, तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाई गई है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ये थी बैंक की जानकारी। अगर कोई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई परेशानी दोस्तों आए रिजल्ट के माध्यम से, तो कमेंट बॉक्स का मैट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। एक लाइक तो दोस्तों आपको बनता ही है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।